कैसे हो बेटा? देखो बेटा, कल मैंने आपको पाठ 9 पढ़ाया था। कविता है, कविता का नाम था दुनिया एक कहानी। आज मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बहुविकल्पी प्रश्न मौखिक प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान दें, देखिए बेटा, पाठ का नाम है दुनिया एक कहानी। इसके शब्दार्थ करवा रहा हूं, ध्यान से देखें समझें। तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ, पहलू का अर्थ होता है रूप, चप्पा चप्पा हर भाग, सुहानी अच्छी या रोचक, निर्झर झरना, कर्तव्य चतुराई भरे खेल, अंदाज तरीके, कर्म विशिष्टता शब्द का अर्थ होता है उच्च विशेषता, दैत्य राक्षस, बौने छोटे कद के व्यक्ति, कौतुक आश्चर्यजनक खेल, सदियां सैकड़ों साल। ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ थे बेटा, जो मैंने अभी आपको करवाए। एक बार फिर से देख लें, दोहरा लेते हैं। पहलू का अर्थ होता है रूप, चप्पा चप्पा का अर्थ हर भाग, सुहानी का मतलब है अच्छी एवं रोचक, निर्झर का अर्थ होता है झरना, कर्तव्य का अर्थ है चतुराई भरे खेल, अंदाज तरीके, विशिष्टता उच्च विशेषता, दैत्य राक्षस, बौने छोटे कद के व्यक्ति, कौतुक अर्थ होता है आश्चर्यजनक खेल, सदियां सैकड़ों साल। ये शब्दार्थ है बेटा। अभी मैं आपको करवाऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न। इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान दें, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक प्रश्न है, उसके चार विकल्प है बेटा, उनमें से कोई एक उसका सही उत्तर है, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। देखिए, प्रश्न पहला है, दुनिया की कहानी कैसी है? दुनिया की कहानी कैसी है? उत्तर में देखिए,
बेकार, सुहानी, नीरस, उबाऊ। बेकार, सुहानी, नीरस, उबाऊ। तो इसमें दूसरा जो विकल्प है हमारा, ये उत्तर इसका है, सही है। इसके आगे सही का निशान लगाएंगे, लगा देंगे कॉलम बना के। अगला प्रश्न है, कविता में किसका जिक्र नहीं है? कविता में किसका जिक्र नहीं है? उत्तर में देखिए, घाटी, देव, मानव, टीवी। घाटी, देव, मानव, टीवी। इसका चौथा विकल्प है टीवी, ये इसका सही है। कविता में टीवी का जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, कहानी कहने वालों के अंदाज कैसे हैं? कहानी कहने वालों के अंदाज कैसे हैं? विकल्प हैं उत्तर में, निराले, बुरे, बेढंगे, अबूझ। निराले, बुरे, बेढंगे, अबूझ। इसका पहला जो विकल्प है निराले, ये इसका सही उत्तर है। कहानी कहने वालों के अंदाज निराले हैं। अब देखिए बेटा, ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न था, एक बार फिर देख लें, दुनिया की कहानी कैसी है? दुनिया की कहानी कैसी है? इसका उत्तर है, दुनिया की कहानी सुहानी है। दुनिया की कहानी सुहानी है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किसका जिक्र नहीं है? उत्तर है इसका, कविता में टीवी का जिक्र नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी कहने वालों के अंदाज कैसे हैं? कहानी कहने वालों के अंदाज निराले हैं। कहानी कहने वालों के अंदाज निराले हैं। अब देखिए बेटा, इसके मौखिक प्रश्न देखिए, मौखिक प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर। मैंने अभी आपको करवाए बहुविकल्पी प्रश्न, 3 प्रश्न थे। अब ये देखिए मौखिक प्रश्न, पहला मौखिक प्रश्न है, दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? इसका उत्तर आएगा बच्चों, दुनिया एक कहानी है। दुनिया एक कहानी है। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, कहानी कब से चली आ रही है? कहानी कब से चली आ रही है? उत्तर देखिए, कहानी सदियों से चली आ रही है। कहानी सदियों से चली आ रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किसका जादू बढ़ता जाता है? किसका जादू बढ़ता जाता है? उत्तर देखिए, किसका जादू बढ़ता जाता है? दुनिया दुनिया की कहानी का जादू बढ़ता जाता है। दुनिया की कहानी का जादू बढ़ता जाता है। एक बार फिर देख ले बेटा, मौखिक प्रश्न उत्तर,
प्रश्न था दुनिया क्या है। दुनिया एक कहानी है। दुनिया क्या है? दुनिया एक कहानी है। प्रश्न नंबर अगला है, कहानी कब से चली आ रही है? कहानी कब से चली आ रही है? उत्तर है, कहानी सदियों से चली आ रही है। कहानी सदियों से चली आ रही है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नेक्स्ट, किसका जादू बढ़ता जाता है? किसका जादू बढ़ता जाता है? उत्तर है बेटा इसका, दुनिया की कहानी का जादू बढ़ता जाता है। दुनिया की कहानी का जादू बढ़ता जाता है। मैंने आपको आज पाठ आठ, नौ के, सॉरी, नौ के शब्दार्थ करवाए, बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करवाए हैं, मौखिक प्रश्न उत्तर बेटा मैंने करवाए हैं। इनको बड़े अच्छे ढंग से आपको फेयर नोटबुक में, बड़े अच्छे ढंग से फेयर नोटबुक में लिखना है और इनको अच्छे ढंग से बेटा याद भी करना है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अभी मैं